नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जो बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के स्वेटर में, ब्लैंकेट में, कुशन में, पर्स में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये सब में बहुत अच्छा लगेगा। और इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आप सेकेंडरी कलर को अटैच कर लें, फिर 2 फंदे प्राइमरी कलर से सीधे फिर एक फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 2 फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे, फिर 3 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, 1, 2, 3। तो इन्हीं 8 फंदों को, यानी 2 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, 1 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, 2 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और 3 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी स्वेटर में दोहराना है। और 2 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा आएगा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, 1 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, 2 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर 1 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, 2 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और 3 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। इन्हीं 8 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, 1 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर 2 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और 3 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। शुरुआत में थोड़ी सी काउंटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जब एक बार डिज़ाइन बन जाता है तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जब उसका बेस तैयार हो जाता है तो डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। थर्ड रो और फ्रंट साइड, 2 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, 1 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और फिर 3 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। इन्हीं 8 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है, यानी 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, 1 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और फिर 3 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। लास्ट में 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। देखिए डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया है। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, 1 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, 2 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर 1 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, 2 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और फिर 3 फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे, 1, 2, 3। इन्हीं 8 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन ये मिडिल पार्ट में आ गया है। और अब 2 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, 1 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, 2 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, 3 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, 2 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा
और एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा। डिज़ाइन अब थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगा है। दो फंदा फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। देखिए यहाँ डिज़ाइन क्लोज हो रहा है और यहाँ पे फिर अगला डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, एक दो तीन, और फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, और एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, और फिर यहाँ पे तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, एक दो तीन, और लास्ट में दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होना शुरू हो गया है। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड, एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, और फिर तीन फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, एक दो तीन। यहाँ पे एक फंदा था तो अब ये बढ़ के तीन हो गया, और यहाँ पे देखिए दूसरे डिज़ाइन में तीन फंदा था तो ये घट के एक फंदा हो जाएगा। तो दो फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे हो जाएंगे, और यहाँ पे तीन फंदा था तो घट के एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, तीन फंदा, देखिए यहाँ पे एक फंदा था तो अब ये बढ़ेगा, तीन फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा हो जाएगा, एक दो तीन, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, एक दो, और लास्ट फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, पांच फंदे का ये डिज़ाइन है। देखिए एक दो तीन चार पांच, तो दो दो फंदा सेकेंडरी कलर के हैं और बीच में एक फंदा प्राइमरी कलर का है। पांच फंदा कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन, ये फंदे घटने शुरू हो जा रहे हैं और इसके साथ ही दूसरा डिज़ाइन यहाँ पड़ना शुरू हो गया है। तो दो डिज़ाइन के बीच में यहाँ पे तीन प्राइमरी फंदे हैं, दो दो फंदे साइड में हो जा रहे हैं और तीसरे फंदे पर नया डिज़ाइन शुरू हो जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन एक फंदा इधर आ जाएगा दाहिनी तरफ, तो यहाँ पे दो फंदे प्राइमरी कलर के हैं, तो अब ये दो फंदे प्राइमरी कलर के हो जाएंगे, और यहाँ पे तीन फंदे हैं तो ये पांच फंदे सेकेंडरी कलर के हो जाएंगे, यानी दो फंदे सेकेंडरी कलर के और दो फंदे इस साइड में, और एक फंदा ये वाला डिज़ाइन यानी बीच वाला फंदा प्राइमरी कलर से बन लिया जाएगा। देखिए कैसे, तो दो फंदा सेवेंथ रो है, दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, अब यहाँ पे तीन से बढ़कर ये पांच हो जाएगा, तो और बीच में प्राइमरी कलर रहेगा, तो दो फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा, और यहाँ बीच में जो यहाँ पे हमने बनाया है यानी एक फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर दो फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे। देखिए डिज़ाइन आपको समझ में आने लगा होगा, और ये डिज़ाइन अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यानी तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे हो जाएंगे। ये डिज़ाइन यहाँ पे क्लोज हो गया, और अब यहाँ पे तीन फंदे हैं तो ये बढ़ के पाँच हो जाएंगे, और बीच वाला फंदा जो है वो प्राइमरी कलर से बुना जाएगा, यानी दो फंदा
सेकेंडरी कलर से सीधा और ये बीच वाला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर लास्ट दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और यहाँ पे देखिए डिज़ाइन क्लोज हो रहा है, यानी कि तीन फंदा प्राइमरी कलर से सीधा हो जाएगा, एक दो और तीन फंदा प्राइमरी कलर से सीधा हो गया। और यहाँ पे ये डिज़ाइन यहाँ पे अब बन रहा है तो दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा हो जाएगा। देखिए एथ रो में अब यहाँ पे घटना शुरू हो जाएगा, यानी एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा। अब यहाँ डिज़ाइन क्लोज हुआ है, यानी कि अब नया डिज़ाइन यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पांच फंदे कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि अब फंदा घटना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे पांच फंदे हैं, अब तीन बनाने होंगे, तो दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा हो जाएगा और फिर तीन फंदा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो तीन फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, एक दो तीन। देखिए यहाँ पे तीन फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और दो डिज़ाइन के बीच में दो प्राइमरी कलर हो रहा है, तो दो प्राइमरी कलर से उल्टा, एक दो। अब यहाँ पे नया डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। देखिए जब एक फंदा घटना शुरू हो रहा है तो नया डिज़ाइन बनना भी शुरू हो जा रहा है, तो एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पांच फंदे हैं, यानी कि डिज़ाइन घटेगा, तो फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा हो जाएगा और फिर यहाँ पे तीन फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे। फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और लास्ट फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड। अब यहाँ देखिए तीन फंदे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि एक फंदा बनेगा, डिज़ाइन क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे एक फंदा है, यानी कि नया डिज़ाइन शुरू होगा। तो यहाँ देखिए एक फंदा है, यानी कि दो फंदा अब सेकेंडरी कलर से सीधा हो जाएगा, एक दो। हर डिज़ाइन के बीच में दो प्राइमरी कलर है, तो दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, एक दो। और यहाँ पे अब डिज़ाइन ये क्लोज हो रहा है, तीन फंदा थे, अब एक फंदा रह जाएगा, तो एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, एक दो। यहाँ देखिए नया डिज़ाइन शुरू हो रहा है, एक फंदा है, यानी कि नया डिज़ाइन शुरू हो रहा है, तो अब एक से ये बढ़ के तीन हो जाएगा, तो तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे, एक दो तीन। और यहाँ पे हर डिज़ाइन के बीच में दो फंदे प्राइमरी कलर के रह रहे हैं, तो दो फंदा प्राइमरी कलर का उल्टा। अब यहाँ पे डिज़ाइन क्लोज हो रहा है, यानी एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा बुनना है सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदा। देखिए एक से अब ये तीन बनेगा, तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। डिज़ाइन अब आपको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगा होगा। यहाँ देखिए तीन फंदे हैं, यानी कि यहाँ पांच फंदे हो जाएंगे, दो फंदा किनारे किनारे वाले सेकेंडरी कलर से उल्टे बुने जाएंगे और बीच में एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा बुना जाएगा। और यहाँ पे डिज़ाइन क्लोज हो गया है, यानी कि तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे बुने जाएंगे। तो देखिए एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, एक दो। देखिए तीन फंदे यहाँ पे थे, तो अब बीच वाला फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा बुना जाएगा और फिर पांच फंदे हमें करने हैं। तीन फंदा हो गया,
तो दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन में पांच फंदे हमारे कंप्लीट हो गए और ये डिज़ाइन क्लोज हो गया है, यानी कि तीन फंदा यहाँ पे प्राइमरी कलर से उल्टे बुन लिए जाएंगे। एक दो तीन, देखिए ये वाला डिज़ाइन क्लोज हो गया और नया डिज़ाइन यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ पे तीन फंदे हैं यानी पांच फंदे हो जाएंगे, तो दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे, मिडिल फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे, एक दो। देखिए यहाँ पे पांच फंदे हो गए हैं। फिर दो डिज़ाइन के बीच में, अब ये डिज़ाइन चूँकि क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे हो जाएंगे, एक दो तीन। और यहाँ पे दो फंदे हैं क्योंकि इसमें हाफ डिज़ाइन ही बनेगा, तो दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे और मिडिल फंदा यानी ये वाला ये फंदा है तो प्राइमरी कलर से उल्टा। यहाँ पे पांच फंदे हो गए हैं, ये हाफ़ डिज़ाइन है तो ये क्लोज होगा। तो अब क्या होगा, दो फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे बुन लिए जाएंगे। अब यहाँ देखिए तीन फंदा, ये डिज़ाइन क्लोज हो गया था यानी कि अब यहाँ पे नया डिज़ाइन शुरू हो गया, तो दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा बुनने के बाद यहाँ पे नया डिज़ाइन शुरू होगा, तो यहाँ पे एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पांच फंदे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब ये डिज़ाइन क्लोज होना शुरू हो जाएगा। तो दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर यहाँ से नया डिज़ाइन, चूँकि ये डिज़ाइन क्लोज हो गया तो इसी के ऊपर नया डिज़ाइन बनेगा, तो एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, और यहाँ पे पांच फंदे हो गए हैं तो अब ये डिज़ाइन घटेगा। यहाँ पे देखिए पांच फंदे हो गए हैं तो डिज़ाइन घट के फिर लास्ट में तीन फंदा हुआ है, तो वहीं हमें भी यहाँ भी यही करना है। तो तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे, लास्ट में दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। यहाँ पे तीन फंदा है यानी कि यहाँ पे अब एक फंदा होगा, और यहाँ पे एक फंदा है तो ये बढ़ के तीन फंदा हो जाएगा। यहाँ डिज़ाइन क्लोज हो जाएगा और यहाँ डिज़ाइन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे, और यहाँ पे तीन फंदा था तो घट के अब एक हो जाएगा। एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन शुरू हुआ था, एक फंदा था तो अब ये बढ़ के तीन हो जाएगा, तो तीन फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। एक डिज़ाइन क्लोज हो रहा है तो अगला डिज़ाइन यहाँ से बढ़ना शुरू हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे तीन फंदे हो गए हैं यानी कि अब ये डिज़ाइन क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक फंदा ही रह जाएगा दो डिज़ाइन के बीच में। दो फंदा प्राइमरी है तो दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा बुन लिया जाएगा, एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, और यहाँ पे अब डिज़ाइन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो तीन फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, और एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। डिज़ाइन आपको स्पष्ट हो गया होगा, देखिए इसे मैंने बनाया हुआ है। जब पांच फंदे कंप्लीट हो जा रहे हैं तो किनारे किनारे के दो दो फंदे सेकेंडरी कलर से बुने जाएंगे और बीच का फंदा प्राइमरी कलर से बुना जाएगा। दो डिज़ाइन के बीच में दो दो फंदे रह रहे हैं,
जब डिज़ाइन क्लोज हो जाएगा तब यहाँ पे तीन फंदे प्राइमरी कलर के हो जाएंगे। और जब ये देखिए एक फंदे से बढ़ के पाँच फंदा, फिर पाँच फंदे से घट के एक फंदा हो रहा है, एक डिज़ाइन क्लोज हो रहा है, दूसरा डिज़ाइन साथ में शुरू हो जा रहा है। जब इसका बेस तैयार हो जाएगा तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। शुरू में थोड़ा गिनना पड़ता है लेकिन उसके बाद डिज़ाइन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने प्राइमरी कलर को लाइट रखा है और इस डिज़ाइन में प्राइमरी कलर को डार्क रखा है, सेकेंडरी कलर को लाइट रखा है, इसमें सेकेंडरी कलर को डार्क रखा है। तो दोनों तरह से मैंने बना के दिखा दिया है। इसमें सेकेंडरी कलर डार्क है और उसमें प्राइमरी कलर डार्क है। तो फ्रेंड्स, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। तो डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।